दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि आपके जो कमेंट आ रहे हैं ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी डायरेक्ट एडमिशन की, हमने आपके बीच में कहा है जो डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल है वो आपके बीच में खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके 21 तारीख से यानी 21 नवंबर से आपके सेशन चल रहे हैं, यानी सेमेस्टर आपका प्रारंभ हो चुका है और फाइनली आज 5 तारीख भी हो गई है, अभी आपके जो एडमिशन का पोर्टल है वो नहीं खोला गया है। तो इसी चीज़ को देखने के बाद आपको थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है कि पता नहीं पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन के लिए खुशखबरी क्या है, खुशखबरी बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। नीचे यहाँ देखिए पीएनपी सचिव से लाइव बातचीत, बिल्कुल कुछ अभ्यर्थी और जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो पीएनपी से लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ तक कि मंत्री जी तक बात हुई है कि एडमिशन के पोर्टल खोलने का उन्होंने हर हाल में आश्वासन दिया है। नीचे हम अच्छा यहाँ मैंने आपको इस चीज़ तो बता दिया, लेकिन अब कब खुलेगा एडमिशन पोर्टल सवाल इस बात का है। और यहाँ आप सभी के ये भी कमेंट आते हैं कि भैया अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट करिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी सफल बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपए है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो दिए गए नंबर 94523103 पर आप संपर्क करिएगा, जो भी दिक्कतें होंगी नंबर के माध्यम से आपके सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। यहां नीचे आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी डायरेक्ट एडमिशन के लिए खुशखबरी, मैंने आपको यही चीज बताया था लगभग 2 दिन पहले कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए कुछ प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए आप सभी से ज्यादा परेशान प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, ठीक है, वो लगातार इसके संदर्भ में वो भी प्रयासरत है कि डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए और कहीं ना कहीं उनके जो डाटा कलेक्ट करने की जो है चीजें हैं वो लगातार आज भी जारी हैं कि बच्चों के डाटा वो ले रहे हैं इस चाह में कि आज नहीं तो कल डायरेक्ट एडमिशन होगा, क्योंकि 70,000 सीटें खाली हैं और 70,000 सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलना बिल्कुल लाजमी है। तो मैंने आपको बताया था, यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हर हाल में आपके एडमिशन के पोर्टल खुलेंगे और वो भी कब तक खुलेंगे, मैंने आपसे बताया है 7 तारीख तक हर हाल में आपको एक गुड न्यूज जरूर मिलेगी, ठीक है। आज 5 तारीख हो ही गया है, आप वेट करिए 7 तारीख, 7 तारीख तक हर हाल में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पीएनपी सचिव से लाइव बातचीत, हालांकि इनसे जो बातें हुई हैं ये तो अभी पोर्टल के संदर्भ में यहाँ से कोई भी सूचनाएं नहीं हैं, ठीक है। जो सूचनाएं हैं बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ से पीएनपी सचिव जी से कोई चीज़ होती है तो बिल्कुल हम आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। कब खुलेगा पोर्टल, ये लगातार मामला ट्रेंड कर रहा है कि भैया कब तक खुल सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जैसा कि जो है ये मानकर चला जा रहा है कि 7 तारीख तक एक गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी एडमिशन के संदर्भ में, ठीक है। तो आप जो है अगर आपका जो आंकड़ा है, हम बात करें 70,000 सीटों के भरने के लिए, तो कह रहे थे कि कितनी सीटें भर सकती हैं, तो हालांकि ये चीजें आप छोड़ दीजिए, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप एक एडमिशन के जिम्मेदार हैं, आपका पोर्टल खुले तो आप अपना एडमिशन लीजिए, कितनी सीटें भरती हैं कितनी सीटें नहीं भरती हैं उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। कुछ लोग धरने वरने की बात कर रहे थे, देखिए हम धरने से थोड़ा सा आप दूर हो चुके हैं डीएलएड के लिए, ठीक है, चूंकि यार आप कह करके कहते तो अभी यूट्यूब पर कमेंट आपके बहुत आएंगे कि भैया हम करेंगे, चलिए हम चलेंगे, लेकिन फाइनली जब वक्त आता है, समय आता है तो कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहते हैं हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने आपसे कहा है आप लगातार ट्वीट करते रहिएगा, बड़ी खुशी उत्पन्न हुई कल कुछ लोगों ने ट्वीट के माध्यम से पीएनपी सचिव को जागृत करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने मेल भी किया, कुछ लोगों ने ट्वीट किया और मेरे पास यानी जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर ग्रुप में भेजे गए कि भैया मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पीएनपी को इन्फॉर्म किया है कि वेबसाइट को खोली जाए, हालांकि मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ट्वीट करते हैं तो हम आप एक बेहतर परिणाम तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपके पास अभी भी वक्त है, आप पीएनपी को मेल करें, मेल आईडी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है।
यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में नहीं आएगी स्कॉलरशिप, ये तो 100% गलत है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यार कोई मतलब नहीं है ऐसे ऐसे चीज़ों को वायरल करना, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। अगर एडमिशन का पोर्टल खुल रहा है तो आप एडमिशन लीजिए, और अभी एडमिशन जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की डेट है अभी बहुत आगे तक है, पूरा दिसंबर आपके पास है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से फॉर्म को भरिएगा, 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि आप PNP के कहने पर एडमिशन ले रहे हैं, अपने मन से एडमिशन आपने नहीं लिया है, ठीक है। इसलिए जैसे डायरेक्ट एडमिशन हुआ सेम वही कंडीशंस काउंसलिंग की है, ठीक है। आपने काउंसलिंग कराया लेकिन ये डायरेक्ट एडमिशन लिए, दोनों डायरेक्ट और काउंसलिंग ये दोनों लीगल तरीके हैं, लीगल नहीं है। इसलिए कतई इन चीज़ों पर जो है आप ध्यान ना दें कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप वेट करिएगा 7 तारीख तक, 7 तारीख तक आपको एक गुड न्यूज़ हम चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।